वाई। कसोल, जब ये नाम जहन में आता है तो सबसे पहले 150 गिरफ्तार से दिमाग पे आके हिट करने वाली पहली चीज होती है यहाँ का माल। कसोल लोग दो वजहों से आते हैं, पहला ट्रैकिंग ऑन माउंटेन्स, दूसरा ट्रैकिंग ऑन क्लाउड्स। मैं अब माल वाल फूकने नहीं आया था, सोलो ट्रैवलिंग और ट्रैकिंग, इन दोनों चीज़ों से मेरा पुराना नाता है। यार इस वीडियो में मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ छलाल से लेकर कसोल तक का पूरा ट्रैक और वो सारे खूबसूरत नज़ारे जो इस रास्ते में तुम्हें देखने को मिलेंगे। और हाँ, अगर अभी तक तुमने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो, बेल आइकन ज़रूर दबा लेना और लाइक करना मत भूलना, तभी स्पेशल ब्राउनी का पता बताऊंगा। मुंतर उतरते ही पहला एनकाउंटर मेरा जिस शख्स से हुआ, वो जनाब मुझसे आके बोले, भैया टैक्सी से मत जाइएगा, महंगा पड़ेगा, बस काफ़ी सस्ती पड़ती है, माल चाहिए। इस इंसिडेंट से भी ज़्यादा मज़ेदार था भुंतर से कसोल तक का रास्ता, और अगर रास्ते में लाइव म्यूज़िक सुनने को मिल जाए तो इससे अच्छा क्या होगा। खैर, ये वीडियो देखना शुरू से लेके आखिर तक, क्योंकि जितनी वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ये उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। बर्ड्स हॉस्टल मैंने छोड़ दिया है, यहाँ कल रात स्टे किया था क्योंकि बहुत ज़्यादा थका हुआ मैं आया था पूरे रास्ते भर, तो सोचा कि स्टे कर लिया जाए। हाँ, अभी हम लोग जा रहे हैं कसोल, वहाँ हम लोगों को एक दूसरे हॉस्टल में रुकना है। एंड दिस वंडरफुल गाय इज तहा फ्रॉम गुजरात, और अभी हम लोग साथ में ट्रेवल कर रहे हैं एंड सभी लोग हैं साथ में, शी इज़ राधिका। और ऐसा कुछ रास्ता है ट्रैक करके जाना है यहाँ से, ये लगभग 2.5 किलोमीटर का ट्रैक है हॉस्टल से लेकर के कसोल तक का, जंगल में होकर के पूरा ट्रैक आता है। छलाल के लिए भी रास्ता यहीं से जाता है, छलाल ट्रैक के लिए। बहुत भारी बैग है यार, सांस भी फूलने लगी है, और भी काफ़ी सारे लोग आ रहे हैं वहाँ से। पिक्सी नाइस। हाँ, ये रास्ता लंबा है जैसा कि हमको पता चला है, और काफ़ी लंबा है, इतने सारे हैवी बैग्स के साथ में जाना शायद मुश्किल होगा, तो अभी हम लोग कंफ्यूज हैं कि कहाँ से जाएं, यहाँ से ऊपर चल के वहाँ होते हुए जाएं या फिर वहाँ से रोड लें। चलो 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 इसी रास्ते के साथ, रास्ता कुछ ऐसा ऐसा है, और भी कई सारे लोग आ रहे हैं वहाँ से। I'm just sitting here, I got time, it's clear to see, from up here, the world seems small, we can sit together, it's so beautiful, you and me. सामान काफ़ी ज़्यादा हो गया, मैंने काफ़ी सारा सामान कैरी कर लिया, बैग बहुत भारी है, लेकिन मज़ा आ रहा है ट्रैक में यार। अच्छा ट्रैक है, अच्छा सुंदर ट्रैक है, और बहुत सीनिक प्लेस है यार। हमारे इस छोटे से ट्रैक में छलाल ट्रैक भी कवर हो गया है। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं छलाल अपने हॉस्टल से, और यहां से हमको जाना है कसोल। छलाल एक छोटा सा गांव है, बहुत से लोग ट्रैक करते हैं यहां के लिए, बहुत पीसफुल प्लेस है। छलाल है, तोश है, तोश थोड़े हाई एटीट्यूड पर है, छलाल थोड़ा नीचे है, तो अब बस छलाल को हम लोग क्रॉस करके नीचे उतरना होगा, कसोल पहुँचेंगे। बहुत ही प्यारी जगह है यार, बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर के, क्योंकि आप जब भी नेचर के इतने करीब होते हैं तो आप एक अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, और ये कैसा एक्सपीरियंस होता है जो लोग ट्रैकिंग करते हैं वो लोग समझ सकते हैं। तो मज़ा आ रहा है, थोड़ी सी थकान भी हो रही है, लेकिन ओवरऑल अच्छा है।
you need to go. Take a step back to see the truth around you. From a distance you can tell. ऑलमोस्ट कसौल के ब्रिज के पास हम लोग आ चुके हैं। पीछे कसौल है पूरा, यहाँ हम लोग हैं। थोड़ा सा ट्रैक और रह गया है और ये देखिए पार्वती नदी अपने पूरे पोटेंशियल के साथ बहती हुई। यहाँ से देख करके लगता है कि बस एक बार यहाँ राफ्टिंग करने का मौका मिल जाए, लेकिन बहुत ज़्यादा मुश्किल काम होगा, लेकिन वंस इन अ लाइफ टाइम मौका होगा, क्योंकि लाइफ ही उसके बाद नहीं बचेगी, लाइफ ही का ओवर हो जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं कसौल, इस बीच हम क्रॉस करते ही कसौल में एंटर हो जाएंगे। ट्रैक बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं था, लेकिन एडवेंचरस था, अच्छा लगा। एक छोटा सा एक्सीडेंट भी हुआ है इस ट्रैक के बीच में, लेकिन वो बहुत अच्छा था। लेकिन आज थोड़ी गर्मी थोड़ी ज़्यादा है, क्या ज़बरदस्त हवा चल रही है। ऊपर मैं नज़ारा दिखाता हूँ आपको। कसौल में आके इस ब्रिज के ऊपर शूट नहीं किया तो कुछ भी नहीं किया। हमारा जो हॉस्टल था वो था छलाल से थोड़ा सा पहले, तो पहले हमको जाना पड़ा छलाल विलेज, उसके बाद में हम लोग आए हैं कसौल। अभी हम लोगों को लेना है यहाँ हॉस्टल, हॉस्टल में बैग रख के आराम से कैफे जाएंगे, कुछ खाएंगे पिएंगे, एंजॉय करेंगे।